मेरे अजनबी हम सफ़र वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छी कहानी है ये। वो ट्रेन के रिजर्वेशन के डिब्बे में बाथरूम की तरफ वाली सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि थोड़ी सी घबराहट है उसके दिल में, कि कहीं टीटी ने आकर पकड़ लिया तो। कुछ देर तक तो पीछे पलट पलट कर टीटी के आने का इंतजार करती रही, शायद सोच रही थी कि थोड़े बहुत पैसे देकर कुछ निपटारा कर लेगी। देखकर यही लग रहा था कि जनरल डिब्बे में चढ़ नहीं पाई, इसलिए इसमें आकर बैठ गई। शायद ज्यादा लंबा सफर भी नहीं करना होगा। सामान के नाम पर उसकी गोद में रखा एक छोटा सा बैग दिख रहा था। मैं बहुत देर तक कोशिश करता रहा पीछे से उसे देखने की कि शायद चेहरा सही से दिख पाए, लेकिन हर बार असफल ही रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो भी खिड़की पर हाथ टिकाकर सो गई और मैं भी वापस से अपनी किताब पढ़ने में लग गया। लगभग एक घंटे के बाद टीटी आया और उसे हिलाकर उठाया। कहाँ जाना है बेटा? अंकल दिल्ली तक जाना है। टिकट है? नहीं अंकल, जनरल का है, लेकिन वहां चढ़ नहीं पाई इसलिए इसमें बैठ गई। अच्छा, 300 रुपए का पेनाल्टी बनेगा। ओह अंकल, मेरे पास तो लेकिन 100 रुपए ही हैं। ये तो गलत बात है बेटा, पेनाल्टी तो भरनी पड़ेगी। सॉरी अंकल, मैं अगले स्टेशन पर जनरल में चली जाऊंगी, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। कुछ परेशानी आ गई इसलिए जल्दबाजी में घर से निकल आई और ज़्यादा पैसे रखना भूल गई। बोलते बोलते वो लड़की रोने लगी। टीटी ने उसे माफ़ किया और 100 रुपए में उसे दिल्ली तक उस डिब्बे में बैठने की परमिशन दे दी। टीटी के जाते ही उसने अपने आंसू पोंछे और इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसकी ओर देखकर हंस तो नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद उसने किसी को फोन लगाया और कहा कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं, दिल्ली स्टेशन पर कोई जुगाड़ करा के उसके लिए पैसे भिजवा दें, वरना वो समय पर गांव नहीं पहुंच पाएगी। मेरे मन में उथल पुथल हो रही थी, न जाने क्यों उसकी मासूमियत देखकर उसकी तरफ खिंचाव सा महसूस कर रहा था। दिल कर रहा था कि उसे पैसे दे दूं और कहूं कि तुम परेशान मत हो और रो मत, लेकिन एक अजनबी के लिए इस तरह की बात सोचना थोड़ा अजीब था। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसने कुछ खाया पिया नहीं है शायद सुबह से, और अब तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। बहुत देर तक उसे इस परेशानी में देखने के बाद मैं कुछ उपाय निकालने लगा जिससे मैं उसकी मदद कर सकूं और फ्लर्ट भी ना कहलाऊं। फिर मैं एक पेपर पर नोट लिखा, बहुत देर से तुम्हें परेशान होते हुए देख रहा हूँ, जानता हूँ कि एक अजनबी हम उम्र लड़के का इस तरह तुम्हें नोट भेजना अजीब ही होगा और शायद तुम्हारी नज़र में गलत भी, लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे बेचैनी हो रही है, इसलिए ये 500 रुपये दे रहा हूँ। तुम्हें कोई एहसान ना लगे इसलिए मेरा एड्रेस भी लिख रहा हूँ, जब तुम्हें सही लगे मेरे एड्रेस पर पैसे वापस भेज सकती हो, वैसे मैं नहीं चाहूंगा कि तुम वापस करो। अजनबी हम सफर। एक चाय वाले के हाथों उसे वो नोट देने को कहा और चाय वाले ने को मना किया कि उसे न बताए कि वो नोट मैंने भेजा है। नोट मिलते ही उसने 2-3 बार पीछे पलटकर देखा कि कोई उसकी तरफ देखता हुआ नजर आए तो उसे पता लग जाएगा कि किसने भेजा है, लेकिन मैं तो नोट भेजने के बाद ही मुंह पर चादर डालकर लेट गया था। थोड़ी देर बाद चादर का कोना हटाकर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट महसूस की। लगा जैसे कई सालों से इस एक मुस्कुराहट का इंतजार था। उसकी आंखों की चमक ने मेरा दिल उसके हाथों में जाकर थमा दिया। फिर चादर का कोना हटाकर हर थोड़ी देर में उसे देखकर जैसे सांस ले रहा था मैं। पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। जब आंख खुली तो वो वहां नहीं थी। ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर ही रुकी थी और उस सीट पर एक छोटा सा नोट लिखा था। मैं झटपट मेरी सीट से उतर कर उसे उठा लिया और उस पर लिखा था, थैंक यू मेरे अजनबी हम सफर, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी माँ आज मुझे छोड़कर चली गई है, घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है,
इसलिए आनन फानन में घर जा रही हूँ। आज आपके इन पैसों से मैं अपनी माँ को शमशान जाने से पहले एक बार देख पाऊंगी। उनकी बीमारी की वजह से उनकी मौत के बाद उन्हें ज्यादा देर घर में नहीं रखा जा सकता। आज से मैं आपकी कर्जदार हूँ, जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। उस दिन से उसकी वो आंखें और वो मुस्कुराहट जैसे मेरे जीने की वजह थे। हर रोज पोस्टमैन से पूछता था कि शायद किसी दिन उसका खत आ जाए। आज एक साल बाद एक खत मिला। आपका कर्ज अदा करना चाहती हूँ, लेकिन खत के जरिए नहीं, आपसे मिलकर। नीचे मिलने की जगह का पता लिखा था और आखिर में लिखा था, तुम्हारी अजनबिया हमसफर। किसी को रोते देखकर हंसो मत, क्योंकि वो हर इंसान किसी दुख में है। आज की कहानी यहीं तक है। इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही अपलोड करूंगी दूसरी वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बनी रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।